डाटा कलेक्ट करके आगे रिसर्च करते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल कैंडिडेट इंटरनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल क्या होगा हमारा, एडवर्टीजमेंट आ गई, सेल्स डिपार्टमेंट आ गई, प्रमोशंस आ गए, फाइनेंस डिपार्टमेंट आ गया। एक्सटर्नल क्या आ गया, सेंसस डाटा आ जाएगा, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, ये ट्रेड्स आ जाएंगे, मैगजीन्स आ जाएंगी, ये सब आ जाएंगे। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, किसी और से डाटा लेंगे तो हमारी कॉस्ट कम लगेगी उसके ऊपर, हम लोग को नया स्टाफ नहीं रिक्रूट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी उनको, प्रमोशन ज्यादा नहीं करने पड़ेंगे, उसी में चेंजेस कर देंगे अगर जो प्रोजेक्ट किया होगा। लिमिटेशंस क्या होगी, पता नहीं वो सही होगा या नहीं सही होगा, रिलायबल होगा या नहीं होगा, उसको मेजरमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हम लोग, उसमें टाइम उसने कम लगाया या ज्यादा लगाया उसने। इसमें टेक्निक्स बताओ जी, तीन ही टेक्निक्स है, रेटिंग, प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, दीज पीपल ऑल्सो प्रोवाइड द टीआरपी। टीआरपी क्या होती है, जैसे सीरियल्स की आती है, कौन सी किस प्रोजेक्ट की जो टीआरपी हाई जा रही है उसी को रेटिंग करते हैं ज्यादा, उसी को हम लोग यूज करते हैं। नेम टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स ऑन रेगुलर बेसिस, दिस प्रोवाइड्स व्यूशिप, कोई भी हम लोग उसमें टीवी में देखते हैं जो सीरियल ज्यादा दिखाई देता है उसकी क्या टीआरपी हाई होती है। रेटिंग हम लोग रेट दे देते हैं उसको, एक पर्टिकुलर रेट दे देंगे, 1, 2, 3 किसकी रेट ज्यादा चल रही है। उसके बाद यही बस छोटा सा कुछ नहीं है इसमें। कंज्यूमर परचेज डाटा और पैनल टाइप डाटा। कंज्यूमर क्या होगा, 1-to-1 होगा, पैनल क्या होगा, एक पर्टिकुलर ग्रुप उठा देंगे उसके अकॉर्डिंग लेंगे हम लोग डाटा जो है। रिटेल एंड होलसेलर डाटा, रिटेलर से लेंगे, होलसेलर से लेंगे डाटा, कुछ भी नहीं है इनमें, नाम से ही पता लग रहा है इनके। एडवर्टाइजिंग डाटा, जो एडवर्टीजमेंट है उसमें से डाटा लेंगे, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को कंक्लूड कर देंगे उसमें। इसने आगे देखो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड डाटा, वही आ गई इसमें। एडवांटेजेस क्या होगी इसकी, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, लेस कॉस्ट होगी, ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, सेल्स प्रमोशंस कम होंगे इसमें, टाइम सेव हो जाएगा हमारा, जो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन है उसी को हम लोग उसी के ऊपर सर्वे करेंगे, नहीं लेंगे ही नहीं हम लोग। डिसएडवांटेजेस क्या आ गई, डेफिनेशन ऑफ अ क्लास, रिनेंसी और यूनिट ऑफ मेजरमेंट, पता नहीं उन्होंने कैसा होगा, फीडबैक पुअर होगा या गुड होगा उसका, जो एम्प्लॉयज ने दिया होगा प्रीवियस एम्प्लॉयज में डाटा, उसने स्टडी कैसे किया होगा, ट्रेनिंग दी होगी एम्प्लॉयज को या नहीं दी होगी, कुछ नहीं इसका पता। प्रॉब्लम ऑन एक्यूरेसी, डाटा एक्यूरेट है या नहीं है, उसने डाटा कैसे लिया होगा, उसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे, सैंपल साइज क्या होगा, उसको हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा सारा। रिसेंसी क्या होगी हमारी, ये डाटा पता नहीं कितना पुराना है, देखो नेक्स्ट पेज पे लिखा होगा टॉप पे कॉशन के नीचे, दिस प्रिटेंड्स टू हाउ ओल्ड वाज द इन्फॉर्मेशन, इट वाज अ 5-year-old, इट मेक यूजलेस। जैसे अगर हम लोग रेडी टू पीज अभी करेंगे या 10 साल पहले उसने कुछ किसी ने उसके ऊपर स्टडी की होगी तो उसकी और इस टाइम की जो परसेप्शन है वो चेंज हो जाएगी। खत्म। छोटा ही होगा, कुछ नहीं है ही नहीं कुछ। आगे देखो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है जी, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, सेंट्रल टेंडेंसी होती है एक एवरेज, ये देखो ना नोट्स में एक सिंगल लाइन में उसने दे रखा है, एन एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विच कैन बी टेकन एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोगों ने 15 वो लिए सैंपल लिया, 5 और 10 को प्लस करेंगे, नहीं डिवाइडेड बाय 15 कर देंगे तो उसका रिजल्ट आ जाएगा 1, पूरे की एवरेज निकल आएगी। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एवरेज क्या होगी इसकी, समराइज फॉर्म से शो कर दे, कहाँ पे पढ़ रहे हो, कंप्यूटर में इजी होगा, अंडरस्टैंड इजी हो जाएगा।
should be all based on all observations. हम लोगों ने एक mean निकालना है, उसका average निकालते नहीं, sum up कर देना. जैसे fruits है, उसका क्या कहते हैं, orange या orange को उसको punch कर देंगे तो उसका क्या चुंबन निकलेगा, juice निकलेगा, उसका average निकलेगी. It should be capable for the further it should be unduly affected by the extreme observations. It should do not be much affected by the fluctuations of sampling. Samples में हम लोग change कर देंगे, कोई उसमें fluctuation नहीं आएगी. Measures of average क्या होगी? Mathematical averages, arithmetic mean, geometrical mean, harmonical mean, quadratic mean. Positional क्या होगी? Median mode. Commercial क्या होगी? Moving average, progressive average और composite average. अर्थमेटिक मीन बताओ जी, आप लोगों ने किया होगा, ये भी नहीं मैंने करवाना. अर्थमेटिक मीन सम ऑफ ऑल द ऑल नंबर्स ओवर टोटल नंबर. ये देखो उसने एग्जांपल में दिया, उसने मंथ बता दिए, 12 मंथ्स ले रही है और उसने आउटपुट्स ले लिए मीटर्स में. डायरेक्ट मेथड में उसने क्या किया, जो सारी ये मंथ की है उसकी आउटपुट है उसको प्लस कर दिया और डिवाइडेड बाय उसका कितने मंथ कितने लिए उसको टोटल कर दिया, तो उसकी कितनी आ गया 91.5 मीटर्स. यूजिंग अ शॉर्टकट मेथड, लेट ए इज 90, उसने शॉर्टकट मेथड में उसको ले लिया 90. उसने कैसे लिया, एक एवरेज ले रही है उसकी. उसके बाद देखो उसने डी आई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अर्थमेटिक कर दिया. आप लोग वैसे ये डायरेक्ट मेथड करो, ये शॉर्टकट नहीं आता. ये पेपर जाके एक शॉर्टकट मेथड ना करो फिर नहीं आएगा. कर लेना, नहीं आएगा. कौन सा शॉर्टकट मेथड? तीन मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन. स्टेप डेविएशन नहीं, इसी में दो ही दे रखे हैं. नेक्स्ट पेज पे देखो ना, उसने एक डायरेक्ट मेथड के थ्रू किया और उसने शॉर्टकट मेथड के थ्रू एग्जांपल दे रखी है. स्टेप डेविएशन आगे भी वैसे भी उसने कटा हुआ है. करना है जी अगला चैप्टर, मीन मीडियन मोड प्रैक्टिकल. करो फिर बताओ. प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे लास्ट टाइम रिसर्च मैथमेटिकल ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਦੋ ਟਰੈਕਟਰ ਮਿਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੈਡ ਲੈ ਗੁੱਡ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛੀ ਲਾ ਗਈ ਦੋ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕੁਛ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ 20 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ. ਹਿਊਮਨ ਰੈਂਕਸ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਮੀਨ ਮੀਡੀਅਨ ਮੋਡ ਦਾ ਆਇਆ, ਕੋਰੀਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਕੋਰੀਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਇਆ. ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸੇ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੋਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਹੋਗਾ. ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, बताओ तो लीव करवाओ इनको. मीन आ जाओ बोर्ड पे. बुक नहीं लेके आया दूसरी, ये मेरी ले लो. नहीं ये नहीं, दूसरी वाली. कौन सी? एसपी गुप्ता बुक, बी कॉम वाले ना, उसमें बीके. अच्छा, बीके वाला या फिर दूसरा प्रॉपर दे. मैंने भी इसीलिए इसमें से किए नहीं, मेरे पास ये थोड़ा सोर्स नहीं था. ये है भी तो हाँ, वो तो सौखा था. मम्मी तो अब तो कर लेंगे, मीन मीडियम तो कर लेंगे. करो करके लाओगे? नहीं, मेरे पास ना, मेरे को सोर्स नहीं मिला. एसपी गुप्ता की बुक होती थी हम लोग को 10+2 में, उसमें ना मतलब एसपी गुप्ता की बुक है, वो बहुत इजी है. उसमें बहुत इजी मेथड्स के साथ ना एग्जांपल्स में दे रखा है, अंडरस्टैंड करना इजी है, इसलिए मैंने इसको प्रेफरेंस दी नहीं. मेरे को था शायद आप एक एग्जांपल लेके ना सभी के सभी के कमरों से पुट कर देंगे. हाँ, वो उसमें जो एसपी गुप्ता की बुक है ना उसमें ऐसा ही दिया होगा. मैं अप्रोच तो कर रही हूँ, फिर मेरे को बुक मिल जाए. मीन मीडियन मोड में मैथ्स के विच पे है मेरे को बुक.
हाँ क्या ऊटी में की होगी आप लोगों ने है ना इकोनॉमिक्स में क्या ऊटी में होगी इकोनॉमिक्स में थोड़ी होती है इकोनॉमिक्स में ये कहाँ से आ गई मैथ्स में स्टैटिक्स में होती है मैं तो लास्ट ईयर एग्जाम दो चुकी थी का मैंने था लेके आना ये बुक मेरे पास इसकी कोई सोर्स बुक है नहीं हिंदी में वो सब थोड़ा वरना समझ में प्रॉब्लम आती है हिंदी में किसी बच्चे दे जाके होंगी डी एड डी एड के बाद डी एड डिप्लोमा इन एजुकेशन जेबीटी तो मन्ना ने कोई पढ़ाई नहीं छड़ी है डिप्रेशन किया डिस्पर्शन किया आप लोगों ने करने कहाँ पे कर लेंगे टू मार्क्स फॉर्मूला ही पुट कर लेता है कुछ और नहीं है एग्जांपल के साथ पूछ लेता है इसका फॉर्मूला बता दो और कुछ नहीं ये सारा चैप्टर ना कल डिलीट करवाएगा दिलीप फ्री होते हो ना आप कौन सा जॉब करते हो ना नहीं बता ही नहीं हूँ ये डिलीट करवाएगा सारा चैप्टर मैं फॉर्मूला लिख के ले आऊंगा इसका मतलब ले आऊंगा उसे कोरिलेशन रिग्रेशन कौन करवाएगा मैंने आगे सीख के बड़ी छाड़ते थे नेक्स्ट चैप्टर है हरजोत तो हम लोग को लॉ करवाएगी क्या है मैम मुझे बता दो मैं क्या हरजोत ये एचआर है ना ये हम लोग को वो करवाएगी मैं एचआर का सब्जेक्ट पढ़ा सकती हूँ मैम वो भी प्रैक्टिकल वे में लॉ आएगी उसमें लॉ में आप लोग एचआर है मैं वो तो मैंने पढ़ना ही नहीं है वो पढ़ने की जरूरत नहीं वो मैं पढ़ना ही नहीं था सब्जेक्ट पढ़ा अभी है इस एचआर में है अच्छा कल मेरे सीनियर सर ने ना एचआर मैनेजर में सर मेरे तो चल रहे मेरे तो बुरे हालात है मेरे तो प्रेशर हट गया है कहाँ से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बीकॉम